हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। भूख लगी होगी ना तुम्हें? थैंक यू। आशीष, आशीष, आशीष उठ, आशीष उठ, नीला कहाँ है? उठ आशीष। क्या? भाग गई? चलो अच्छा, शादी कैंसिल। आशीष ये मजाक करने का वक्त नहीं है। क्यों इतनी पिता है तू? क्यों इतनी पिता है? चल उठ, उठ, उठ और पता कर ले कि नीला कहाँ गई है। उठ। क्या तुम भी? मुझे मेरी खबर नहीं रहती है मैं नीला को कहाँ ढूंढने जाऊं? जब आ जाती है तो बता देना, तैयार हो के आ जाऊंगा शादी की। दया, 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 क्या हुआ? आप समझी नहीं आयशा जी, आज मैं ये शादी तोड़ दूंगी। फेरों के वक्त सारी दुनिया के सामने, पूरी मीडिया के सामने मैं दयावंती मेहता को एक्सपोज करूंगी। फिर ये शादी कैंसिल हो जाएगी। फिर आपको आपका आशीष और हफनी को उसके पिता मिल जाएंगे। नीला, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूं, मैं और अवनी तुम्हारे बदले में शामिल नहीं होना चाहते। मानती हूं मैं आयशा जी, पर ऐसा करने से आप दोनों का सपना पूरा हो जाएगा। इस सपने को मैं और मामा बहुत पहले भूल चुके हैं नीला आंटी। पर अवनी, आशीष तुम दोनों से बहुत प्यार करता है, हद से ज्यादा। सच तो यही है कि तुम दोनों भी आशीष से बहुत प्यार करते हो। जो प्यार हक से मिले वही प्यार होता है, वरना खैर हाथ। जिस शादी से आशीष इनकार नहीं कर पाया, आज वो शादी मैं तोड़ूंगी। हेमंत, मैं बहुत परेशान हूँ। ये नीला पता नहीं किसी को बताए बिना कहाँ चली गई है। फोन आया था। किसका? अरे नीला का फोन आया था, उसने कहा कि वो अपनी सहेली के साथ जा रही है मंदिर। सहेली के साथ मंदिर गई? हाँ। अच्छा, मैं तो डरी गई थी। आशीष को बता देता हूँ चल के, नहीं तो वो परेशान हो रहा होगा। आज बता देते हैं उसको। हेमंत भाई, हेमंत भाई, नहीं वो मतलब आशीष नहाने गया है, वो कह रहा था कि तैयार होके फिर चलते हैं नीला को ढूंढने, वो भी बेचारा बहुत परेशान था। तुम बता देना उसको। हाँ मैं बताती हूँ उसको, आप मेरे साथ चलिए ना। अरे नीचे देखिए तो सही, शादी की तैयारियाँ कैसे हुई है। आइए आइए, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। चलो चलो भाई, तुम तो सब ठीक ही कर रही हो। आइए आइए, चलो। नीला आंटी, आप प्लीज हमें हैप्पी फैमिली की होप ना दे। मैं जानती हूँ आपके इंटेंशन अच्छे हैं, लेकिन अब हैप्पी फैमिली हमारी लाइफ का गोल नहीं। पर अवनी, नीला आंटी, हमारे लिए ये क्लोज चैप्टर है। अवनी सही कह रही है नीला, ये सब बोलने की बातें हैं आयशा जी। सपना बदल गया, गोल बदल गया, होप नहीं है। लाइफ में कोई क्लोज चैप्टर नहीं होता आयशा जी, क्योंकि पास्ट कभी मरता ही नहीं, अंदर जिंदा रहता है। प्रेग्नेंट है आयशा जी, एक नया मेहमान आने वाला है, उसका भी तो हक बनता है ना कि वो अपनी जिंदगी अपनी पूरी फैमिली के साथ जिए, अपने पिता को जाने। हाँ, आशीष अवनी का पिता है, आपके होने वाले बच्चे का बाप है वो, आपका प्यार है वो। क्या ये सच झुटलाकर आप जिंदगी जी पाएंगे? बोलिए।
आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? लाइफ हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती है, आप दोनों को दे रही है। लकी है आप लोग। रियली नीला आंटी, आपको अब भी लगता है कि मैं लकी हूं, मम्मा लकी है, अनाया लकी है? ठीक ही तो कह रही है अवनी, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें लगता है हम लकी हैं? नहीं चाहिए हमें ऐसा लक, इससे अच्छा तो हम नाउम्मीदी की जिंदगी ही जी। आप दोनों की जो भी मर्जी हो, पर मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं ये शादी तोड़ दूंगी। उसके बाद देखते हैं जिंदगी कहाँ लेकर चलती है। आफ्टर ऑल तुम्हारी दोस्त जो हूं, नीला आंटी, ऑल द बेस्ट। चलती हूँ। गुरुजी आप चाहते हैं कि मैं उनके घर में जाकर के उनकी शादी शूट करूं? क्यों? Why? Give me one reason. एंड फेरो के टाइम पर नीला आंटी मिस्टर मेहता से शादी तोड़ देंगी और मिसेस दयावंती मेहता को एक्सपोज कर देंगी। और ये सीन चाहिए मुझे मेरे फिल्म में। वाओ, क्या ड्रामा होगा ना वहां पे फिल्मी स्टाइल में। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। सुपर्ब अवनी, ये सीन तेरी मूवी में आ गया ना, मूवी हिट है। डन। अलादीन, हाँ? तुम्हें ये शूटिंग अकेले करनी होगी। क्यों? मैं मम्मा के साथ रहना चाहती हूँ और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। आई अंडरस्टैंड, तू टेंशन मत ले। अच्छा मैं जाता हूँ, मुझे बहुत सारे अरेंजमेंट करने। अलादीन, ऑल द बेस्ट। टेंशन मत ले। असीम,